हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बोहरा स्टाइल कीमे के समोसे, जो बनाने में काफी इजी है और बहुत ही यम्मी टेस्टी बनते हैं। तो चले हम बनाना शुरू करें। समोसे बनाने के लिए सबसे पहले हम ये हाफ के जी मैंने कीमा लिया है, इसको अच्छे से वॉश करके स्ट्रेन कर लिया है। अब हम इसको प्रेशर कुकर में कुक करेंगे। हम इसमें 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, 1/2 चम्मच हमने नमक डाला है और 2 से 3 हरी मिर्च को हमने बड़ा बड़ा काट लिया है और ये इसमें मिक्स करेंगे इसको अच्छे से। कीमे के अंदर हम दाल भी मिक्स करेंगे, तो इसके लिए हमने ये 1 कप मूंग की दाल ली है, इसको मैंने अच्छे से वॉश करके भिगो के रख दी। अब हम इसे भी बॉईल करने के लिए रखेंगे। इसमें हम 1 गिलास पानी और डालेंगे और थोड़ा सा 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच नमक डाला है हमने और अब थोड़ी सी हल्दी डाल के हम इसे अभी बॉईल होने देते हैं। हमारे एक चूल्हे के ऊपर कीमा बॉईल हो रहा है, एक चूल्हे पर हमारा दाल बॉईल हो जाएगी हमारी। ये दाल हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसमें ये ध्यान रखना है हमको 80% इसको पकाना है। ये भीगी हुई थी तो ये जल्दी बन गई हमारी दाल, ये अब रेडी है, इसको हम स्ट्रेन कर लेंगे। दाल को हमने स्ट्रेन कर लिया है, अब हम इसी पैन में इसको वापस डाल के बिल्कुल सूखा लेंगे। अब इसमें जितना भी पानी रहेगा वो सूख जाएगा। अब हम फ्लेम को फुल रखेंगे और इसको पानी सूखने के लिए बिल्कुल खुला छोड़ देंगे और थोड़ी देर पका लेंगे। ये दाल हमारी खिली खिली रहेगी, अगर ये ज़्यादा पक जाएगी ये दाल बिल्कुल हलवा जैसे हो जाएगी। ये दाल हमारी बिल्कुल ये सूख कर रेडी हो गई। इसमें ज़रा सा भी पानी नहीं रहना चाहिए। एक साइड हमारी दाल रेडी हो गई, एक साइड हमारा कीमा रेडी हो गया। हम इसे इसमें अभी बहुत पानी है, अभी हमको ये पानी पूरा सुखाना है। हम इसमें इसको अच्छे से इसको पकाएंगे और ये पूरा टूट जाए, हमको बिल्कुल हमारा कीमा बारीक बारीक हो जाए और सूख जाए। जब तक हम इसे पकाएंगे जब तक इसका पानी सूख ना जाए। अभी ये हमारे दोनों चीज़ें हमारी ठंडी हो गई है, अब हम इसको मिक्स करेंगे। कोथमीर और पुदीना 1-1 गुच्छी हमने ली है, थोड़ा सा कम पुदीना की क्वांटिटी कम, और ये 1/2 किलो हमारा 1/2 किलो कीमा था तो हमने 1/2 किलो प्याज लिया है। इसमें ये प्याज लेंगे, इसको अच्छे से चॉप कर लिया है। ये हमने 6 से 7 हरी मिर्च ली है, इसे भी हमने बारीक चॉप कर लिया है। अगर मार्केट में स्प्रिंग ऑनियन अगर अवेलेबल हो तो वो इसमें ज़रूर डालना चाहिए, इससे टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। आज मार्केट में अवेलेबल नहीं था इसलिए मैंने नहीं डाला है। अब इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच सौंफ को मैंने थोड़ा सा क्रश कर लिया है, इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा यमी आता है तो ये ज़रूर डालें। नमक हमने कीमे में भी डाला है, दाल में भी डाला है, इसलिए नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। हम 1 से थोड़ा सा नमक डालेंगे, 1 चम्मच नमक। हरी मिर्च हमने अच्छी डाली है इसलिए 1/2 चम्मच लाल मिर्च डालेंगे और धनिया का पाउडर 2 चम्मच, 2 बड़ी चम्मच धनिया का पाउडर डालेंगे। ये 1/2 से भी कम गरम मसाला पाउडर डालेंगे। नमक ये सभी मसाले डाल के थोड़ा सा टेस्ट करें मसाले को, अगर नमक आपको कम या ज़्यादा कुछ लगे तो आप इसमें डाल सकते हैं। और ये सभी को अच्छे से मिक्स करें। ये हमारा मसाला बहुत ही यमी टेस्टी मसाला बनके बिल्कुल रेडी है। कोथमीर पुदीना
प्याज सभी में थोड़ा ध्यान रखना है कि हम ये किसी में भी पानी ना रहे, अच्छे से इसको धो के आप इसको अच्छे से सुखा लें। अगर स्ट्रेन अगर ना हो तो आप थोड़ा पेपर के ऊपर इसको बिछा लें तो सारा पानी पेपर सोख लेगा। ये मसाला काफ़ी सूखा रहेगा हमारा। ये मसाला बनकर हमारा बिल्कुल रेडी है। अगर किसी को स्मोकी फ्लेवर चाहिए तो बस इस स्टेज के ऊपर इसमें थोड़ा सा कोयला गरम करके रख दें और स्मोक दे दें इसमें, तो ये और ज़्यादा टेस्टी लगेगा। अब हम ये समोसे की पट्टी हमने रेडीमेड ले ली है, अब इसमें हम इसको भरेंगे। अब इस समोसे को मैं आपको फिल करना सिखाऊंगी। ये समोसे पट्टी को लिया हमने, इसको एक ये फोल्ड किया, ये बन गया हमारा पॉकेट। इसमें हम मसाले को फिल कर देंगे। हम प्रेस कर दें, इसका यहाँ से मुंह पकड़े, एक फोल्ड यहाँ से दे तिरछा, जो इस साइड का भाग है उसको इस साइड लाना है। ये हमारा कोना ये बिल्कुल बंद हो जाएगा तो इसके पॉकेट में अंदर तेल नहीं जाएगा। एक इस तरफ एक इस तरफ, ये हमारा समोसा बिल्कुल बनकर रेडी हो गया। अब हम इसमें जो मैदा हमने घोल के रखा है थोड़ा सा, इसमें मैदा लगा देंगे ताकि इससे पूरा ये चिपक जाएगा। जब हम इसको फ्राई करेंगे तो समोसे हमारे बिल्कुल खुलेंगे नहीं और इसमें अंदर तेल भी नहीं जाएगा। ये बड़े, अब हम सारे समोसे ऐसे ही भरकर फिल करके रख देंगे। आपका जब मन चाहे आप इसको बनाकर खा सकते हैं। इसको आप, मैं आपको आपके टपरवेयर बॉक्स के अंदर किसी में भी आप इसको बस इसे ही पैक करके रख सकते हैं और जब मन चाहे आप इसको फ्राई करके खा सकते हैं। ये हो गया हमारा रेडी। अभी हमारा ऑयल बिल्कुल रेडी हो चुका है फ्राई के लिए। इसे मीडियम फ्लेम के ऊपर हम इसे फ्राई करेंगे। ये काफ़ी लजीज लगते हैं, कभी भी दोपहर शाम को आपको जब मन चाहे आप इसको फ्राई करके खा सकते हैं। आपके घर में इसे आप ज़रूर ट्राई करें, मुझे यकीन है आपकी फैमिली के मेंबर आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। ये इतना टेस्टी बनेगा, और मुझे कमेंट करना ना भूलें। इसको अच्छे से मीडियम फ्लेम के ऊपर तले आप, तो ये काफ़ी क्रिस्पी फ्राई होंगे। ये हमारे समोसा बिल्कुल बनकर रेडी हो चुके हैं। हमारे हो गए रेडी हमारे समोसे। ये हमारे देखो कितना क्रंची है, ये गर्मा गर्म हमारे समोसे बनके बिल्कुल रेडी है। आपने मेरी रेसिपी को एंड तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, और अगर नहीं किया हो तो आप जल्दी से मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज। थैंक यू।